क्या हुआ महादेवी? हे कमलनयन, हमारे देवर्षि तो कयाधु को ऐसे समझा रहे हैं और उसकी इस प्रकार सेवा कर रहे हैं जैसे कि वो बहुत ही अनुभवी और जानकार व्यक्ति हो। मेरा जी, महादेवी देवर्षि जो कर रहे हैं उसका संबंध अनुभव और ज्ञान से नहीं है, प्रेम और सहानुभूति की भावना से है। कोई भी यदि जीवन से प्रेम करने लगे, मन में प्राणियों के प्रति सहानुभूति की भावना रखे, तो प्रकृति आप ही सब कुछ सिखा देती है, सब कुछ समझा देती है। यदि मन में एक दूजे के प्रति प्रेम, सद्भावना और सहानुभूति जागे तो ज्ञान का मार्ग खुल जाता है। प्रेम के ढाई अक्षर परंतु ज्ञान के सबसे महान भंडार हैं। मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि देवर्षि ये सब जानते हैं कि गर्भावस्था नारी के जीवन की वो अवस्था है जिसमें उसे सदैव अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा आहार ग्रहण करना चाहिए और अच्छी वस्तुओं का ध्यान करना चाहिए। इस अवस्था में ये सब बातें नितांत आवश्यक है। ये तो वो जानते ही हैं, पर कुछ और भी जानते हैं। और क्या जानते हैं देवर्षि? देवर्षि ये जानते हैं कि गर्भावस्था में नारी के गर्भ में पल रहा शिशु जीवित और सचेत होता है। माता जो देखती है, जो सुनती है, शिशु उससे अवगत रहता है, प्रभावित होता है। तभी तो देवर्षि उसे सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं। देखिए ना महादेवी, देवर्षि उसे क्या कह रहे हैं। मैंने बालक ध्रुव को समझाने की बहुत चेष्टा करी, किंतु वह भी नारायण के दर्शन का हट करता रहा और वह दर्शन करके ही माना। आप तो बड़ी मनमोहक बातें करते हैं देवर्षि। देवी, माता लक्ष्मी भी यही कहती हैं कि मैं बड़ा बातूनी हूं, किंतु आपसे अपनी सबसे मनमोहक बात तो मैंने अभी तक नहीं कही। सुनिएगा। अवश्य सुनूंगी। आपकी तो एक एक बात मेरे कानों से होकर मेरे मन में उतर जाती है। क्या है आपकी सबसे मनमोहक बात? देवी, अपनी बात जो मुझे सबसे मनमोहक, सबसे प्रिय और सबसे सुंदर लगती है, वो है बस ये चार शब्द, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु नाम ले गर्भ में कितनी ऊंची बात, होनहार वीरवान के होत चीकने पात। हे माता तू धन्य है और धन्य संता, आएगा संसार में कोई व्यक्ति महान।